सभी गुरुवर को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का गुरुवर क्लासेस में। चर्चा करने वाले हैं यूपी टेट के आंसर की पेपर फर्स्ट की। और वैसे तो हालांकि और अगर कोचिंग सेंटर्स को देखा जाए, कोचिंग्स को देखा जाए तो हम थोड़े लेट हो गए हैं, पर हमारी थोड़ी टीम छोटी है, दो ही टीचर्स हैं, और फिर हम इस बार चाह रहे थे कि ऐसी आंसर की दें कि वो 100% करेक्ट हो। तो सारे ही आंसर 100% जो बिल्कुल 100% कन्फर्म थे, फिर भी एक बार कन्फर्म करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, इसके लिए लेट हो गए, पर बेटर लेट देन नेवर। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेट डी है। जिसका सेट डी है वो तो सीधे ही मिला लेगा, एल्स नहीं तो आप देख लेना कौन सा किसका सही है। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? गार्डनर का बहुविधि सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 4। डिस्लेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है, तो डिस्लेक्सिया में पढ़ने में कठिनाई होती है, डिस्क्राइब में लिखने में होती है, आपको पता ही है। निम्न से क्या सामवेशिक कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? शिक्षक की भूमिका क्या नहीं है? शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये शिक्षक की भूमिका नहीं है, निःशक्त बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, नहीं लिखा हुआ था, तो इस वजह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। चौथा, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, हमेशा से आप प्रेरित करेंगे प्रश्न पूछने के लिए। पांचवा, बच्चों में वृद्धि मुख्यतः संबंधित होती है, वृद्धि का मुख्य मतलब है, अभिवृद्धि का मुख्य मतलब है शारीरिक विकास से, और विकास का मतलब है सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, नैतिक विकास सबसे। तो अभिवृद्धि या वृद्धि का मतलब क्या है? शारीरिक विकास से। मानव विकास का प्रारंभ होता है, विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होना स्टार्ट हो जाता है। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? RM Gaine इसके लेखक हैं। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था का विरोध की अवस्था, यह कथन किसका है? यह कथन स्टेनले होल का है। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? अब ये देखो, ये जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, इस पर आप सबको एक एक नंबर जरूर मिलेगा, 100% सबको नंबर मिलेगा। इसका सही आंसर है 10 मिनट, जो इनमें से कोई सा भी विकल्प में नहीं दे रखा। ठीक है, इसकी और मैं कल चर्चा कर दूंगा, एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसमें आपकी मैं इसकी चर्चा कर दूंगा। ठीक है, कि ऐसा क्यों है, सबको क्यों मिलेगा, इसमें सबको मिलेगा, टेंशन मतलब इसका यही सही आंसर है, सारी सही आंसर है इसके। जिसने भी नवा, अब देखो लाइक लिखा हुआ CTET में आया था 9 नंबर और चलेगा यहाँ, 9 लिखा हुआ था ना, 9 नंबर सबको मिलेगा, UPTET इसकी बात मानेगा। 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य विलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। तो ये भाई साहब आपका रोज का कथन है। देखो 100% ट्रू है ये आंसर की, बिल्कुल निश्चिंत होकर आराम से लगा दो। मैक्सिमम जो गई था मिस्टेक, मैक्सिमम मिस्टेक 2% जाएगी। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे बच्चे को परामर्श देना चाहिए, बहुत आसान प्रश्न। पाठ्य सहगामी क्रियाएं संबंधित होती हैं छात्रों के सर्वांगीण विकास से। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? कोहलर ने सूत्र सिद्धांत दिया, इसके नाम पर शुरू थोर्नडाइक का प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, B.S. Bloom ने नहीं दिया था, उसने विकास का सिद्धांत दिया था, हाउ चिल्ड्रन थिंक। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है, अवरोधन का तात्पर्य है किसी बालक का एक वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, अगर वो ऐसा रहता है इसका मतलब उसकी शिक्षा में कहीं ना कहीं अवरोध आ रहा है। 15वां, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है, स्तंभ को मिलाना है, एनिमल इंटेलिजेंस तो थोर्नडाइक ने बात करी थी, पहले का थर्ड तो यही पता चल गया, थर्ड फोर्थ वन सेकेंड सोलवे का फोर्थ आंसर हो गया। विकास कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, अर्थात विकास निरंतर चलता रहता है। संविधान के संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई, 86 के संशोधन से। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैकडूगल का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, 14 मूल प्रवृत्ति। विकास किस अवस्था को कोलम्बस ने संविकात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा था कोलम ब्रूस ने। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, ये गिलफोर्ड की परिभाषा है, बिल्कुल एग्जैक्ट यही पढ़ाई गई है आपको अधिगम के पहली क्लास में। सूची ए तथा सूची बी को सम्मिलित कीजिए, अब ये थोड़ा हार्ड आया था। देखो एक तो मॉरिसस वाला जो सिद्धांत था उससे 2 क्वेश्चन आए थे और एक ये थोड़ा सा हार्ड था। इसका जो सही आंसर है वो ये है कि ब्रूनर जुड़ेगा संप्रत्य उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान से, आसुबेल जुड़ेगा अग्रिम संगठक शिक्षा प्रतिमान, एडवांस ऑर्गेनाइज टीचिंग मॉडल। आसुवेल का वो था ना
क्या था जिसमें वो क्या कहते हैं उसे, मैं दिमाग से उतर रहा है, आंसुवेद ने एक पद्धति दी थी सीखने की, चलो मैं फिर बताऊंगा, दिमाग से उसका नाम उतर रहा है, एग्जैक्ट नाम उसमें लिखा हुआ है, ग्रिम संगठक संगठक शिक्षण प्रतिमान एडवांस ऑर्गेनाइज, जिसमें ऑर्गेनाइज करके सिखाते हैं, कोई सा चित्र कह करें उसे, चलो जब आएगा ध्यान तब बताऊंगा, फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। समस्या समाधान का प्रथम चरण है समस्या की पहचान, तो आपको पता ही होगा, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब जब बालकों का संज्ञानात्मक भावात्मक मनोचालक पक्षों का विकास होगा, हर तरह का विकास होगा तभी अधिगम प्रभावी होगा। स्मृति बोध एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है, तो क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 28, ये दोनों मॉरिशस के सिद्धांत के आधार पर हैं, तो इसका जो 25वें का सही आंसर है वह प्रस्तुतिकरण ऑप्शन नंबर सी, और इसका है ये लिखा हुआ है खोज फर्स्ट है, यानी सेकेंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड और फिफ्थ, ये है इसका। किस सिद्धांत को पुनर्बल का सिद्धांत भी कहते हैं, इसकी नया क्रिया प्रसूत सिद्धांत आंशिक पुनर्बल पर बल देता है, पुनर्बल सिद्धांत भी कहते हैं इसे हम। इनमें से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत का अंग नहीं है, आंत प्रज्ञा अवस्था ये कोई अंग नहीं है, ये तीन अवस्थाएं थी, बालक किस प्रकार से सोचते हैं, इस प्रकार का सिद्धांत दिया था उन्होंने, देखो ये विकास का सिद्धांत है, ब्रूनर का सिद्धांत विकास का सिद्धांत है। कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, अनुमूल्यन ये नहीं है, उसके बाद ज्ञान बोध प्रयोग कौशल, इनमें से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है, लंबवत ऐसा कोई अधिगम का वक्र नहीं होता है। ठीक है अब हिंदी पर आते हैं, ठीक है तो ये देखो इस पर 100% करेक्ट है CDP की, आपके आंसर की बेफिक्र होकर आंसर आप चेक कर सकते हैं। अगली बात करते हैं हिंदी की, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की सजनाओं का सही अनुक्रम है, मधुशाला मधुवाला मधुकलशम निशान निमंत्रण, सुमेल करना है तो इसका सही सुमेल है कैब, यानी हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910, ठीक है। उसके अलावा आप लगा लो काशी नागरी पिचाणी सभा 1893 और ये वर्धा वाली 1918, ठीक है। तुलसीदास के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अन्ना से अनन्या आत्मकथा किसकी है, प्रभा खेतान की, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है, रैदास का वाक्य है। कौन सा सप्तद्वव है, खेत इसका तत्सम शब्द है, क्षेत्र क्षेत्र, कौन सा शब्द देशज है, धड़ाम से गिर गया देश शब्द है, देशज धड़ाम ही है ना, पतलू, चलो ठीक है धड़ाम। अर्थ छछुंदर के सिर पर चमेली के तेल का क्या अर्थ है, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, ऋग्वेद का संदेश है ऋक धनुर्वेद, आपबीती शब्द में समास है तत्पुरुष, आप पर बीती, घोंसले में चिड़िया है कौन सा कारण है, अधिकरण कारक, उपयुक्त द्विघांश बताइए, संसार के सारे बात सीमित है राजनीतिक क्षेत्र तक, जब आप द्विघांश पढ़ोगे पता चल जाएगा बहुत सिंपल है। उपयुक्त द्विघांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है, राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को। कनुप्रयाग रचनाकार कौन है, धर्मवीर भारती, प्लुट स्वर कौन सा है, इसमें तिगनी आवाज होगी ओम, तीन ही का ही होगा एक्चुअल में। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है नियोजन, प्रयोजन का मतलब होता है क्या उद्देश्य है आपका, क्या हेतु है, क्या लक्ष्य है। रुजु शब्द का विलोम शब्द है वक्र, रुजु रेखीय है कौन आपको याद होगा, याद होगा इसका सेंस का कौन, तो सीधा का उल्टा वक्र। विशेषण का निर्देश अशुद्ध है, बहन ऊपर कोई विशेषण नहीं है। दूसरा ये क्रमवाचक विशेषण है, 2.5 किलो तो 2.5 किलो आम, तो 2.5 ये भी विशेषण है, बहन होकर ये कोई विशेषण नहीं है। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है, निजवाचक, आप में अपने आप की बात कर रहे हो। कौन शब्द पुल्लिंग है, सरसों पुल्लिंग है, संतान होती है सरसों बिखरता है। बरदंत की पंक्ति कुंडली ये जो है ये वात्सल्य रस का उदाहरण है, कवितावली से लिया गया है ये, जो तुलसीदास की है और इसमें यहाँ तुलसी आया भी है। उच्चारण की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है, अरे भाई साहब जैसे नाम तालू कंठा, निम्न से कौन सा कथन अशुद्ध है,
दो मात्रण व्यंजन का चरण एक साथ नहीं हो सकता, बिल्कुल अशुद्ध है। हिंदी में गय का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, तो सही बात है, क्योंकि एक्चुअल में जय धन ये है, ये जय धन है, जय जय और गय पढ़ते हैं सब, क्षय संयुक्त व्यंजन है, विसर्ग कंठे वर्ण है, ये भी सही है। तो ये पहला शब्द है। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के विषय में कौन सा लड़का पुल्लिंग है, हाँ करता है, हाँ बहुवचन है, गलत, बहुवचन नहीं है लड़का, लड़का एक वचन है। बोलने में थोड़ी कठिनाई, राम आम खाता है कर्तवाच्य है, एक्टिव वॉइस, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सुन, इसमें है श्लेष, यू नो, कौन सा शब्द शुद्ध है, अंगना, कि शब्द की वर्तनी सही है, सन्निधि, उच्चारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समस्या उपकरणों की सही पहचान पर। आगे चलते हैं इंग्लिश, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, माई वॉच वॉज लॉस्ट, इंग्लिश तो इस बार भी बहुत हल्की आई है, 28-29 नंबर तो आ ही रहे होंगे सबके। करेक्ट पैसिव वॉइस लेट इट बी डन, डू इट का लेट इट बी डन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल क्राइटेरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज इन प्लूरल माइस, माउस का, ही वाजन ऑर्फन, तो ऑर्फन क्या है, कॉमन जेंडर है, भले ही सेंटेंस में प्रयोग करा है पर कॉमन जेंडर है ऑर्फन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट अ कोऑर्डिनेट कंजक्शन, इफ, कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, इफ एंड वॉइस से आपको याद होगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, फॉर एंड फॉर आएगा, इज थर्स्ट फॉर द नॉलेज, लेफ्ट एंड नो लीजर फॉर एनीथिंग एल्स, ही इज ए फास्ट राइटर, फास्ट क्या है, एडजेक्टिव है, व्हाट सी लाइक्स, वो कोई सिंपल सेंटेंस नहीं है। द सेंटेंस ही विल बी प्लेइंग द पियानो इन द कॉन्सर्ट डेज, डे आफ्टर टुमारो, ये फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट होता तो है जय माता। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द सब्जेक्ट ओवर वी फैन एंड जेंडर नाउन फेमिनिन, तो यही है, द फीमेल मेंबर है राइट, बाकी सब में मेल है, यंग मैन है, ओल्ड मैन है। द मेथड ऑफ टीचिंग इन विच द टीचर ट्राइज टू स्ट्रेच द लिंक बिटवीन द फॉरेन लैंग्वेज एंड द ऑब्जेक्ट विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ द लर्नर्स मदर टंग इज कॉल्ड द डायरेक्ट मेथड। If you are testing a student's comprehension of written English, you are testing their understanding of what they have just read. Correct, choose the correct sentence, please listen to your teacher. Find out the correct sentence, I don't believe him. अब देखो इसमें गड़बड़ बता रखी है, I am not believing him or I don't believe him. इसके बाद what of the above और none of the above, ये नीचे आने चाहिए थे, उन्होंने गड़बड़ कर दिया। बहुत ऑफ दबाव से पता ही नहीं चल गया, हम मैं इसी देखने लगा, मैं कह रहा हूँ तो नन ऑफ द, ये भी सही है। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंसेस, सेंटेंसेस आई डोंट बिलीव, ये करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेट इज ग्रामेटिकल करेक्ट, ऑल दीज मैन आर जेंटल, ही केम टू मी एट मिडनाइट, विच ऑफ दम डज नॉट हैव एडजेक्टिव क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज किसकी नहीं है, आई मेट हिम वेयर ही लिव्ड, इसमें एडजेक्टिव क्लोज नहीं है कोई भी, मतलब एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं हुआ है इसमें, एडजेक्टिव की तरह है, जैसे आई लव द मैन हु इज ट्रूथफुल, कौन, मैन, आई मेट हिम इन प्रयागराज विच इज अ होली सिटी, प्रयागराज क्या है, होली सिटी, प्रयागराज की तरह एडजेक्टिव क्लोज हो गई, द मैन हु इज ट्रूथफुल, तो ये भी हो गई है कि नहीं है। 79 विद करंट प्रीपोजिशन ही जूनियर टू मी, सीनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर के साथ टू आता है, प्रेफर टू, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंजक्शन, आइदर ही इज मैड और आइदर और नाइदर नोर, पैसेज दे रखा है, द वर्ड स्ट्रेंथ इज ए अब्स्ट्रैक्ट नाउन, स्ट्रेंथ अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वन हु डज नॉट टेक रिवेंज इज ए स्ट्रॉन्ग मैन, पैसेज पढ़ के पता चल जाएगा। विच इज द मीनिंग इन द ऑफ द वर्ड अनट्रोडन, अनएक्सप्लोर्ड, आई डिपेंड द करेक्ट फिगर स्पीच यूज इन द सेकंड स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा में आया है फार फेयर एज स्टार, तो इसे मिली है एज आगे, तो सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, Only C is correct. He showed little mercy to the vanquished. Point of the sentence which is in past perfect tense. I had written my letter before he arrived. Fill in the blank with correct article. Dada. The first man and walk on the moon. For an hour. Ox ke saath lagega ye an oxen. Bahut speed mein chal rahe hain. Changing the word grow into a noun. Growth. ठीक है, संस्कृत की बात करते हैं, एकोन चतवार इन शब्द को कहते हैं 39, दुई दुई शब्द का रूप है द्वे,
ददती रूप है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन गुरुपदेय शब्द में प्रयुक्त संधि है देव संधि उपसर्ग है परा पराधीन मनोरथ में संधि है विसर्ग संधि नेत्राभ्याम अश्रुणित है पतंती में नेत्राभ्याम पद में विभक्ति है पंचमी नेत्रों से अश्विनी शब्द है स्त्रीलिंग इसमें वाच्य है कर्मवाच्य युप दारु पद में समास है तत्पुरुष गोधूम शब्द का अर्थ है गेहूं विसर्ग संधि का उदाहरण है नमस्ते नमदंते स्पर्श है वो क्या समय तक 25 बाली का टाप ये तो पता ही है टाप में आई लगेगा पर्यंत में उपसर्ग है परिधनंत पर्यंत नदी शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है बहुवचन बहुवचन में आता है देख लियो रूप अकारण पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है राम राम है प्रजे प्रजिति में संधि है पर रूप व्यवहार का चयन प्रकार दंतोष्टम घुटने के लिए उरु और गद के अनुसार समाज में किन की संख्या कम है दुर्जनों की संख्या कम है और उपयुक्त के अनुसार दूसरे लोग समाज में क्यों प्रबल दिखाई देते हैं क्योंकि समाज सज्जन तटस्थ रहते हैं इस श्लोक का भाव क्या है प्राणी जो बक्स पर आसन रहते हैं उसके नष्ट होने पर वो भी निराश्रित हो जाते हैं भूतानी का तात्पर्य है प्राणी से खुल गया रुको एक मिनट भू धातु का दोट लकार मध्य पुरुष वचन रूप है भव सर्वनाम शब्द है सर्व सर्व माने सभी कुंजर का मतलब है हाथी मात्र मात्रा सुगंधु की रचना है वासव दत्ता कौन सा स्वर है लरेसरव है आपको बताइए अब इसका देखो भैया इसका सॉल्यूशन जो है गोविंद सर करा देंगे अगर आपको आवश्यकता महसूस हो क्लास का आंसर देख लो 91 का 120 मीटर स्क्वायर ए बी सी जिस पर स्टार लग रहा है वही आंसर है एक बार जिस संख्या विषम हो सकती है ये कथन सही है ये सेकंड आ गया एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या असंख्या हो सकती है पाठ्यक्रम त्रिक्स है जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है तो ये 17 का वर्ग 15 का वर्ग 8 के वर्ग के स्क्वायर होगा और जेड का मान ज्ञात कीजिए 9 से विभाज्य है तो 7 है इसका मान 81/40 है एक्स का मान ज्ञात करेंगे तो आएगा 1 बंटन का बहुपल ज्ञात किया जा सकता है आयतचित्र द्वारा बेस्ट तरीका है आयतचित्र बना लोगे कि 10 से 20 20 से 30 कितना कितना है सबसे बेस्ट तरीका आयतचित्र है हालांकि और भी हो सकता है पर आयतचित्र सबसे बेस्ट है ये निकला 37.5 ये निकला 72 वर्ग इकाई और ये निकला 1,00,000 रुपये ये निकला 54 ये निकली तारीख 27 के का मान निकला 2 एक त्रिभुज बनाया जा सकता है ऐसे और इसका आंसर है सही 4/9 और इसे सरल करेंगे तो आएगा -5 इसका आंसर है 12 इधर देख लीजिए जाए इसका आंसर है 24.4 इसका आंसर है 814 इकाई का अंक होगा 7 और इसका आंसर है 5/8 8 से विभाज्य होने वाली संख्याएं हैं 1 और 3 और 116 त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं 6 गूगल पे एकदम आ जाएगा इसका आंसर 116 का चाहो तो इसका आंसर है बी यानी सेकेंड इसका आंसर है ए और डी इसका आंसर है 5/16 बचा ईवीएस अब ईवीएस का भैया ऐसा है ईवीएस ने सबसे ज़्यादा टाइम खपाया है आंसर शीट तैयार करने में आंसर की तैयार करने में तो इसलिए लाइक कर देना भैया वैसा आंसर की परफेक्ट बनाई है ईवीएस की भी 121 का बस मुंबई से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चली सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में हालांकि पुष्कर में भी पशु मेला ही होता है पर सोनपुर में सबसे बड़ा होता है एकता परिषद की स्थापना 1961 में हुई अनुच्छेद 14-18 के बीच संता के अधिकार का उल्लंघन है किस देश ने लचीला संविधान लागू है आप देखो भारत भी है यूनाइटेड किंगडम भी है पर यूनाइटेड किंगडम क्लासिकल एग्जाम्पल है लचीले संविधान का किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है मानसून में किस प्रदेश में है ना टुंड्रा प्रदेश आराम से थोड़े से क्वेश्चन पूछे कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है कंपास जनसंख्या का आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है एशिया ये तो सबको पता ही है अमेरिका क्या कहते हैं चीन और भारत इसमें ही है
थर जनजाति कहाँ निवास करती है? तराई क्षेत्र में, तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। भिलाई इस्पात संयंत्र है झारखंड में। महिला कल्याण रक्षण की व्यवस्था कहाँ है? पंचायती राज व्यवस्था में, इसमें है ही। 1/3 राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम 35 वर्ष उम्र चाहिए। इसे मिलाओगे तो ग्राम पंचायत में सरपंच बनता है। डी का भी 2 में है। और भारतीय संघ का क्या बनता है? प्रधानमंत्री बनता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, ए सी डी वी। ये देख लीजिए चाहे इधर। अनुच्छेद 356 का प्रयोग सर्वप्रथम कब और कहाँ हुआ? सबसे प्रथम केरल में हुआ, इन ऑप्शन में दिए गए, नहीं तो सबसे पहले पंजाब में हुआ था, पर इसके बाद केरल में हुआ। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? गृह कर। और जलकुंभी जो है, बंगाल का आतंक कहते हैं इसे, वायरस का जैविक होने का कारण है, यह प्रजनन नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायक है, इथाइलीन। और राइजोबियम ये तो पता ही है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। जेड डी डी एन ए किस प्रकार का डी एन ए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? यूप्लेक्टेला। प्रोटीन अणुओं की इकाई है अमीनो अम्ल, ठीक है। कौन सा अंग पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है? तारककाय या सेंट्रोसोम, ठीक है। मनुष्य के सबसे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत या लीवर। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है सबको पता है, सारस क्रेन। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? ग्रामीण में। हेमलेट क्या है? हेमलेट रूरल अधिवास में शामिल होता है, मतलब हेमलेट एक्चुअल में क्या होता है, छोटे छोटे जो घर होते हैं वो बहुत दूर पास पास, मतलब बहुत कम मात्रा में कुछ घर साथ साथ होते हैं, उसे हम कहते हैं हेमलेट या पूर्वा। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? अपलेशियन। एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है मुंबई तट पर। मानसूनी बंद पाए जाते हैं जहां से 150-200 सेंटीमीटर बारिश होती है। कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है प्रायद्वीपीय पठार का, ठीक है। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन कंप्लीट। इसमें 1 नंबर सबको मिलेगा, जो वो क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, सूक्ष्म शिक्षण के टाइम वाला, तो उसमें 10 मिनट इसका आंसर है, उसमें सबको क्वेश्चन आएगा। भैया लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना नए हो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बस चैनल से जुड़े रहिए अगर आप टीचर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करते हैं या करने का मन है, तो एग्जाम हमारे चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो लाइक कर देना, बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए गुरुवर क्लासेस। बहुत बहुत धन्यवाद।